सो हेलो एवरीवन, हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले 2019 TVABAP 6 सेमिस्टर ओके FM का पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2B जो पूछा गया था फॉर 8 मार्क्स, इट इज़ वेरी इजी। ठीक है, बिजनेस वैल्यूएशन नाम का चैप्टर है FM का, उस पे बेस्ड ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे। सो ये क्वेश्चन रीड करेंगे क्विकली। क्या करने के लिए बोला है, कैलकुलेट EVA। EVA का फुल फॉर्म आपको पता होगा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ठीक है, अप्रोच से आप लोग बिजनेस वैल्यूएशन करोगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया आपको इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट वन इज़ डेट, डेट इज़ 250 करोड़। उसके बाद इक्विटी दिया है 500 करोड़। ओके, उसके बाद कॉस्ट ऑफ डेब्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो है वो आपको कैसे दिया है, आफ्टर टैक्स। ओके, कॉस्ट ऑफ डेब्ट अगर आपको पता होगा तो उसका एक फॉर्मूला आता है KD। ओके, सो वो KD आपको फाइंड आउट करना होता है। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट I 1 माइनस T, टी फॉर टैक्स। ऐसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया। ये कब कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, जब टैक्स दिया होगा। ओके, और बिफोर टैक्स इंटरेस्ट पता होगा आपको, लेकिन ये ऑलरेडी आफ्टर टैक्स दिया तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करके कुछ करना नहीं है। ठीक है, आफ्टर टैक्स है तो अच्छी बात है, ज़्यादा आपको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अगर ये बिफोर टैक्स होता तो आपको ये फॉर्मूला से आफ्टर टैक्स ढूंढना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज़ 15%। EBIT दैट इज़ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बोला है, 92 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट टैक्स रेट कितना बोला है, 40%, लेकिन यहाँ पे ये टैक्स रेट का कुछ लेना देना नहीं है कॉस्ट ऑफ डेब्ट के केस में। ये आपको लगेगा टैक्स रेट कहाँ पे लगेगा वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन, 8 मार्क्स के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस साल भी आपको 8 मार्क्स के लिए डेफिनेटली आने के चांसेस है। सो क्विकली हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो। क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, EVA। तो EVA कैसे कैलकुलेट करेंगे, EVA इज इक्वल टू फॉर्मूला आप लोग देख सकते हो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसको शॉर्टकट में बोलते हैं NOPAT। ठीक है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय WACOC मीन्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो दिस इज योर फॉर्मूला, NOPAT दैट इज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये तीन चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए नीचे ये मैंने कैलकुलेशन किया, ये बाद में देखेंगे सॉल्यूशन का जो पार्ट है, उसके पहले आपको ये तीनों चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी। तो वो कैसे फाइंड आउट किया, सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, रुपीज़ इन करोड़्स लिखा है। तो ये कैसे मिलेगा आपको, EBIT दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, सो कितना EBIT आप लोग देख सकते हो, EBIT इज़ 92 करोड़, और टैक्स रेट कितना है, 40%। सो यहाँ पे लिखा मैंने EBIT 92 माइनस टैक्स होगा एट द रेट 40%, कितना आएगा टैक्स, 36.80 करोड़्स में आइए 36.80। सो इसके लिए राउंड ऑफ विंड ऑफ करना नहीं है, जैसा है वैसे ही लिखना है। सो आपको मिलेगा लास्ट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ओके, दैट इज़ योर NOPAT, दैट इज़ नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना रहेगा माइनस करने के बाद, 55.20। तो ये फर्स्ट थिंग आपको मिला 55.20 यहाँ पे लिखा। अगला आपको क्या ढूंढना है, कैपिटल एम्प्लॉयड, विच इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट। सो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू इक्विटी प्लस डेट। ठीक है, तो इक्विटी कितना है क्वेश्चन में, 500 करोड़, और डेट कितना है, 250 करोड़। दोनों को ऐड किया, 500 प्लस 250, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा 750 करोड़। ठीक है, उसके बाद थर्ड थिंग आपको फाइंड आउट करना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वो कैसे फाइंड आउट करोगे, लिखा है देखो यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल डेट एंड इक्विटी, बाजू में लिखा है रुपीज़ इन करोड़। तो डेट कितना है, 250, इक्विटी कितना है, 500। सो यहाँ पे कैलकुलेशन में आप लोग देख सकते हो, कैपिटल डेट इक्विटी लिखा है, बाजू में लिखा है रुपीज़ इन करोड़्स। ठीक है, रुपीज़ इन करोड़्स, डेट कितना है, 250, इक्विटी इज़ 500, सो टोटल आता है 750। अगला देखो, यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड आउट किया प्रपोर्शन, प्रपोर्शन कैसे मिलता है, सी ईयर प्रपोर्शन कैसे मिलेगा, इसके लिए कैलकुलेटर है साथ में। सो 250 क्या करना है आपको, 250
डिवाइड बाय एक्चुअल टोटल कितना है 750, सो 250 डिवाइड बाय 750 और परसेंटेज का बटन दबाओगे तो कितना मिलता है 33.33, तो वो यहाँ पे लिखा। इसका 500 का प्रपोर्शन कैसे निकालोगे, 500 डिवाइड बाय 750 और परसेंटेज का बटन, तो इसका प्रपोर्शन कितना आएगा 66.67। टोटल प्रपोर्शन कितना आता है हमेशा 100, ये ध्यान में रखना। उसके बाद आफ्टर टैक्स ATCOC मीन्स आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो क्वेश्चन में लिख के दिए है, ठीक है। डेट का कितना है 8%, इक्विटी का कितना है 15%। सो मैंने लिखा डेट का 8%, इक्विटी का 15%। बाजू में आपको मिला वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी ये कैसे मिलेगा देखो, इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट। कैसे किया देखो, सपोज मैंने इसको नंबर दिया 1 प्रपोर्शन को, इसको दिया नंबर 2, ठीक है। तो ये कैसे मिलेगा आपको, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 100। ओके, क्या किया मैंने, ये इसको नंबर दिया प्रपोर्शन को 1, इसको 2, 1 × 2 डिवाइड बाय 100, ठीक है। सो देखते हैं ये आता है क्या, 33.33 × 8 डिवाइड बाय 100। ओके, तो कितना आया 2.667 आ रहा है, बिकॉज ये 33.33 लिखा है हम लोगों ने, बट ये एक्चुअल में 33.3333 है। अगर एग्जैक्ट लेते हो, उसको डिवाइड बाय 100 करते हो तो ये आएगा, ठीक है। इसके लिए मैंने लिखा 2.6670, ठीक है, 3 डिजिट तक लिखना है। उसके बाद दूसरा जो है 66.67, दैट इज 66.6666 × 15 डिवाइड बाय 100, तो ये 9.9999 आ रहा है, तो उसको राउंड ऑफ करके मैंने कितना लिखा 10, ठीक है। सो ऊपर का 2.667 एंड 10 दोनों को टोटल किया तो आपको मिलेगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज 12.67। यहाँ पे लिखा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू 12.67%, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करना है सब लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अभी तीनों चीज़ें आपको मिलती है, नो पैट आपके पास है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आपके पास है। तो अभी फार्मूला में इनको इनपुट करेंगे, देखो क्विकली। फार्मूला में इनपुट किया, नो पैट 55.20 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 750 इंटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12.67%। सो आगे का कैलकुलेशन 55.20, उसके बाद 750 × 12.67% का बटन दबाया तो कितना आता है 95.025, वो लिखा 95.025। 55.20 में से ये माइनस किया, सो 55.20 माइनस 95.025 नेगेटिव आंसर आएगा। इसके लिए ब्रैकेट में लिखा है ₹39.825 नेगेटिव है, ब्रैकेट में लिखा, सो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, जहाँ पे आपको पॉसिबल होगा वीडियो पॉज करके, ठीक है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, देख सकते हो आप लोग। ओके, पॉसिबल आपको होगा वीडियो पॉज करके क्विकली इसका सोल्यूशन लिख लेना, बहुत ईजी है, इट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी ईजी टू सॉल्व ऑल्सो, ठीक है। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए फॉलो करना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि वो भी पास हो सके। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए फॉलो करते रहो बागवे सर ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू।